आखिर भ्रष्टाचार काले धन सिर्फ ये चिंता बने रहेगी या इसकी कुछ समाधान निकलेगी। उन दिनों में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट निरंतर कहने के बावजूद यूपीए सरकार ने एसआईटी तक गठन नहीं किया था। ये कोई ओपोजिशन की सजेशन नहीं था, कोई पत्रकार मित्रों की कलम राइटअप नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्देश दिया था काले धन के खिलाफ सरकार एसआईटी बनाए। उन दिनों की सरकार चुप्पी साधी हुई थी। जब देश की जनासादिवाद में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पहला ही कैबिनेट में ही एसआईटी गठन की निर्णय हुई। काले धन के खिलाफ एक निर्णायक प्रक्रिया शुरू किया गया और आज हम ये दावे के साथ कह सकते हैं पिछले 3.5 साल में भारत में ही केवल नहीं विश्व के अंदर अनअकाउंटेड मनी को अकाउंट पे ले आना, टैक्स नेट पे ले आना, स्ट्रक्चर पे डालना शायद ही निकट अतीत में इतना ही कोई बड़ा मुहिम किया होगा जो भारत ने किया है। मित्रों, केवल एसआईटी या नोटबंदी या डीमोनेटाइजेशन जैसे विषय नहीं, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट के ऊपर इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, बेनामी ट्रांजैक्शन के ऊपर सख्त कानून, रियल एस्टेट के अंदर बेनामी कारोबार में सख्त कार्रवाई, जिन देशों में संदेह होती थी काले धन छुपे हुए हैं ऐसे देशों के साथ डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी, माननीय प्रधानमंत्री जी जब शपथ लिए उसी दिन विश्व की कई नेता विशेष करके सार्क देशों के नेता आए थे। सार्क देशों के अलावा मॉरिशस की उन दिनों के प्रधानमंत्री जी भी आए थे और पहला ही देश के नए प्रधानमंत्री जी की पहला ही जो बायलैटरल डिस्कशन हुई, द्विपाक्षिक डिस्कशन मॉरिशस के साथ हुई, उसमें मॉरिशस को बोर्ड पे लिया गया और मॉरिशस के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी हस्ताक्षर हुई। मित्रों, आज 1 साल के बाद कई प्रकार की वितर्क तर्क उसमें चल रहा है। अगर मैं उसकी 2-3 मोटी मोटी उपलब्धि आज आपके सामने रखूं, लगभग भारत की जितनी करेंसी थी 5 और 1000 रुपया की नोट, उसमें से 86% होते थे, उसकी लगभग 3 महीने में 99% की रीमोनिटाइजेशन और